नीतीश कुमार जी से ज्यादा अनुभवी चेहरा कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं, कोई कोई हो सकता है। माननीय खड़गे जी से कोई अनुभवी चेहरा हो सकता है क्या? राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर के स्टालिन तक का पूरे उसको जीतना है। एकजुट हुए, एक मंच पे आया है पूरा विपक्ष, लग रहा है इस बार क्या होने वाला टक्कर। वो तो पहले भी एक मंच पे थे, वो तो पहले भी एक मंच पे थे, क्यों लेकिन हिंदू और मुसलमान मेरे हिसाब से करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बात छोड़ो भैया, जीवन यापन वो उसकी जो जरूरत है डेली में, अभी जो उसकी मतलब दैनिक जरूरत है, दैनिक जरूरत नहीं पूरी हो पा रही, सपने क्या पूरे होंगे। गरीब तो क्या कर रहा है, राशन दे रहा है, खाने का जुट रहा है, राशन मिलने से खुश है, बहुत चीज ऐसा है की टमाटर से ही घर चलता है क्या, है ना, प्यास से ही घर चल रहा है क्या? मत खाओ यार दो महीने टमाटर का। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं सब युवा हैं, आप किसी भी युवा से उठा के पूछ लीजिए कि क्या वो अपनी जिंदगी से, अपने काम से और उसके आने वाले महीने की इनकम से वो संतुष्ट है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सरकार क्या है और सरकार कौन सी लानी चाहिए जिससे हमारे देश के युवा को अच्छा रोजगार मिले, ताकि वो अपने जीवन को आपन कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं JK247 न्यूज। 2024 का रण पूरी तरीके से सज चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हमलावर है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। लेकिन 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्ष अब जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो मुंबई में बैठक करने वाला है और बीजेपी भी बैठकों का दौर लगातार कर रही है। लेकिन ये जो सियासी गुड़ा भाग है, इस पर जनता पर, इस पर इसको लेकर क्या असर है जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो कैसे देखते हैं 2024 चुनाव को। क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार मंडल हूँ, JNU के CPS छात्र हूँ और समाजवादी पार्टी के छात्र भी, समाजवादी छात्र सभा का वहाँ देखता हूँ। कैसे देख रहे हैं 2024 चुनाव? 2024 में लगभग लड़ाई क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी आनन फानन में जो इंडिया अलायंस जब बना है, देश की पूरी जनभावनाएं, समाजवादी, कांग्रेसी और लेफ्ट के लोग जब एक मंच पे आए, देश में पहली बार कोई मजबूत अलायंस बना, जनभावनाओं का अलायंस बना, तो आनन फानन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तमाम छोटे छोटे दल, कोई एक सदस्यीय दल, कोई दो सदस्यीय दल, कोई चाचा भतीजा का दल, जो परिवारवाद का लंबे समय पर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं परिवारों को इकट्ठा करके किसी तरह से 38 लोग एक कैमरे में लाने के लिए, जितने भ्रष्टाचारी थे सारे एक मंच पर आ गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो देश में कोई भ्रष्टाचारी बचा नहीं है। पार्टी के प्रधानमंत्री 2014 में 19 में झूठ बोल करके जिस तरह से देश में आए थे, उसी तरह से 38 दल है, ये 26 दल है, कैसे? वही ना, वही एक पता नहीं बेशर्म कैसे बोलते थे कि जो है अकेला है, थेल अकेला तलेगा, पता नहीं कहा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात, जो है छब्बीस देश की जनतांत्रिक जो दल है, जो लोग जब इकट्ठा हुए और देश में मान प्रधानमंत्री तानाशाह प्रधानमंत्री के खिलाफ जब यूनाइट होकर के पटना की धरती पर, पटना आप ये भी जान, जो मोदी फेस है, बड़ा एक चेहरा है अभी मौजूदा वक्त में, तो उसके सामने कौन सा चेहरा है? हम कह रहे हैं कि संसदीय जनतंत्र में किसी चेहरे की कोई जरूरत नहीं है, ये तानाशाही का प्रतीक है, आपको इस तरह का चेहरे से बचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो इस तरह के चेहरे से बचना है। अपोजिशन में तमाम चेहरे हैं, नौजवान से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग से लेकर तमाम अनुभवी, माननीय नीतीश कुमार जी से ज्यादा अनुभवी चेहरा कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं, कोई कोई हो सकता है। माननीय खड़गे जी से कोई अनुभवी चेहरा हो सकता है क्या? राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर के स्टालिन तक का पूरे उसको जीतना तय है। देश की जनता टकटकी निगाहें भरे और बड़ी आशा से इस इंडिया अलायंस को देख रही है, और जिस दिन से इंडिया नाम का जो भी घोषणा हुआ, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी इसको क्या कहे तो लगातार मंथन कर रहे हैं, तो कभी मुजाहिदीन से, कभी जो है कि इंडियन उसे ईस्ट इंडियन का ईस्ट इंडिया कंपनी से, PFI और दुनिया भर के इस तरह से घमंडिया, कभी दुनिया मतलब जो प्रधानमंत्री को कभी शोभा नहीं देता है, ऐसे ऐसे नामों से देश के जिसका 11 राज्यों में सरकार हो, जो अपोजिशन कितनी बड़ी ताकत हो, उसको इस तरह से घृणित नामों से उद्घृत करना, मुझे नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे ये ठीक बात है, ये ठीक बात नहीं है। क्या लगता है, इंडिया नाम रख लेने भर से काम हो जाएगा विपक्ष का? इंडिया तो नाम था ही नहीं, भारत था, इंडिया तो अंग्रेजी में कहते हैं और हम अंग्रेज नहीं है। ये विपिन जी क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में तो हम तो यही आशा करते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो जनता की सुने,
जैसा कि अभी आप हालांकि देख रहे होंगे बेरोजगारी जिस तरह से हमारी चरम सीमा पे है एंड हमारी महंगाई आप देख लीजिए। आज के जीवन में व्यक्ति अगर जीवन यापन करना चाहे तो कम से कम 1 लाख पर मंथ का ये सैलरी हो तो वो जीवन यापन कर सकता है, और 1 लाख अगर सैलरी लेना हो किसी को तो नॉलेज भी होना चाहिए उतना, उस हिसाब से ये नॉलेज हमारे ये जो शिक्षा को लेके अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो आने वाली जो सरकार है वो शिक्षा के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, युवाएं अभी की सरकार नहीं सोच रही। तो आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तमाम जन से पूछ लीजिए अगर कोई सरकार सोच रही है। वैकेंसियां इतने वैकेंट पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे उस पे? प्राइवेट हो जाएगा क्यों नहीं हो रहे? प्राइवेट होने का वैकेंसी ओपन क्यों नहीं हो रही भाई? इतने वैकेंट पड़े हुए हैं हर एक जगह, देख लीजिए यूपीपी में वैकेंट है या नहीं है। देश के तमाम युवा के लोग लगातार कहते हैं कि नया भारत है और विश्व में डंका बजा, हम तो विश्व गुरु की राह पर हैं। आप कह रहे हैं विश्व गुरु की राह, आप दिखा दीजिए ना, डेटा दिखाइए मुझे, विश्व गुरु के राह पे हो, कोई डेटा है आपके पास? डेटा है आप दिखाओ, आप जाके पहले एक ग्लोबल में देखो कितना कर्ज में हो आप, कर्ज तो देख लो अपना कि आप कितना कर्ज ले सकते हो, ले चुके हो वर्ल्ड बैंक से, क्या उसे पे कर सकते हो? हमने पांचवी अर्थव्यवस्था बना दी, अब अगले टर्म में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, पांचवी भैया आप पांचवी नहीं तीसरी, वो तो दूसरा हो गया, पांचवी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, इकोनॉमिकल की बात कर रहे हो आप, दूसरी इकोनॉमिकल अगर पूरी की हो तो वो दिखा दीजिए मुझे, पांचवी की बात दूर है, आप दूसरी दिखाइए मुझे। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में ये देखिए, बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2024 में जो आने वाली सरकार है अब वो सभी जान रहे हैं, अब एक का पक्ष मतलब पक्ष में बात नहीं कर सकते हैं, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो सरकार आएगी वो सभी जान रहे हैं और वो चिन्हित है, कोई वो नहीं है। कौन चिन्हित है? कहाँ सब जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, अभी पिछले पिछले जो कार्य हो चुके हैं किस सरकार में हुए वो कार्य, अभी उन कार्य की प्रगति पे केवल क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, ये तो कहते हैं हम भाई गरीबों को राशन देते हैं, हाईवे मजबूत कर दिया, वंदे भारत ट्रेन दे दी भैया, अब कहने को राशन जो है राशन, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? किसान के पास से आ रहा है, किसान क्या गरीब नहीं है? राशन को इतना मतलब आज की डेट में आप देख लीजिए राशन का क्या है, किसान को क्या मिल रहा है, उसका क्या मिल रहा है किसान को? तो कहते हैं सीधा खाते में 2000 रुपए दे रहे हैं, सीधा खाते में 2000 रुपए, 2000, अच्छा 2000 रुपए आने से उसका मंथली हो जाएगा पे, मैंने आपको बताया अभी मंथली आपको कितना जरूरत है, कितना जीवन यापन अगर करना है, दाल का भाव क्या है अभी, और किसान को दाल का भाव क्या पे किया जा रहा है, चावल का भाव क्या है मार्केट में, और किसान को क्या दिया जा रहा है उसका? बहुत सारे लोग कहते हैं देश जो है सुरक्षित हाथों में, अब आप देख लीजिए ना किस तरीके से सुरक्षित हाथों में, अगर हाथों में है सुरक्षित हाथों में तो सुरक्षित हाथ फिर फैलाया जाए ना, सुरक्षित नहीं हाथों में नहीं है? सुरक्षित है, देखिए इसके बारे में आप सभी को पता है, हमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं सब युवा हैं, अब किसी भी युवा से उठा के पूछ लीजिए कि क्या वो अपनी जिंदगी से, अपने काम से और उसके आने वाले महीने की इनकम से वो संतुष्ट है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सरकार क्या है और सरकार कौन सी लानी चाहिए जिससे हमारे देश के युवा को अच्छा रोजगार मिले, ताकि वो अपने जीवन को यापन कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर वालों के सपने को पूरा कर सके। सभी सपने नहीं पूरा कर पा रहे, बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी सपने की बात छोड़ो भैया, जरूरत जीवन यापन वो उसकी जो जरूरत है डेली में, अभी जो उसकी मतलब दैनिक जरूरत है, दैनिक दैनिक जरूरत नहीं पूरी हो पा रही, सपने क्या पूरे होंगे और क्या कहने की बात है। मेरा तो सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिर्फ उसी सरकार को चुने जो देश हित में हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, हिंदू और मुसलमान मेरे हिसाब से करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। 2024 में ग्रोथ होनी चाहिए जनता की, गवर्नमेंट कोई सी भी हो उस पर क्या पड़ रहा है, तो अभी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है ये आप बताएंगे, आप मीडिया में आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मेरे हिसाब से अगर सिलेंडर 1100 का मिल रहा है तो पैसे में तो ग्रोथ है, टमाटर में भी ग्रोथ है, टमाटर भी चलो ठीक है उसके बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, सब चीज कंट्रोल में ही है, लेकिन हम भी देश के लिए क्या कर रहे हैं, चलो देश हमारे लिए क्या कर रहा है वो एक अलग बात है, हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को भी देखेंगे ना, टमाटर से ही घर चलता है क्या, है ना, प्याज से ही घर चल रहा है क्या, मत खाओ यार 2 महीने टमाटर क्या दिक्कत, लेकिन आग नहीं जलेगी तो कैसे खाओ, एग्जैक्टली अगर आप और ये सिलेंडर इतना ग्रोथ, ये आग बेचने का तरीका लेवल पे, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो यहाँ भी कर दो यार कुछ दिन के लिए, क्या हो गया थोड़े से बेचारे गरीब लोगों को थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि यार बहुत डिफरेंस आ गया डाउन द लाइन 10 ईयर्स डाउन द लाइन 15 ईयर्स, ग्रोथ मतलब लोगों के घरों में कैसी ग्रोथ हो रही है, वो पैसे पे ग्रोथ हो रही है, कहाँ हमें लग रहा है कि यार चलो मेरे बच्चे में एक कॉन्वेंट स्कूल, आप अपना बताइए आपने क्या देखा 9 सालों में,
हाँ बताइए बताइए बिल्कुल सर। मैंने देखा विकास तो हुआ है। विकास हुआ क्या क्या हुआ? रोड्स की हालत बेटर हुई और लेकिन बहुत सारे मामलों में बहुत पीछे है। ऐसी बात नहीं, कहाँ पीछे बताइए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। हाँ, हम पब्लिक क्या सोच रहे हैं। कम्युनल वाइज वायलेंस देखें ना, कितना खतरनाक हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है तो रोक सकती है। नहीं, ये तो कहते हैं हम सब कुछ दुरुस्त करके रखें, कानून व्यवस्था की तो बात करते हैं बार बार, करते हैं लेकिन दिखता कहाँ है। दिखता नहीं है। लग रहा है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए क्यों लग रहा है कि एनडीए आप जिस जगह पड़े उसको देख लो और इससे पहले कैसा उसको देखेंगे। यहाँ क्या बदल गया? यहाँ तो वैसे है जैसे पहले। वैसे कैसे ध्यान रखो, नाम बदला है। हाँ, पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ हो गया है। हाँ, तो नाम बदलने से कुछ नहीं। नहीं, होता क्या है, नाम के हिसाब से ही सारा काम होता है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पे अगर चल रहे हो तो आपका कर्तव्य क्या है उसको भी ध्यान में रखना होगा और अपने आप आ जाएगा, अगर रख भी नहीं रहे हो आप तो। सिंपल है। क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 में? मुद्दे सिंपल है, देख रहे हो अभी आप क्या बताऊं मैं आपको। अगर नहीं, हम तो पब्लिक के बीच में है। पब्लिक के बीच में तो आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि अभी हमें बताना होता तो हम वही बैठ के बता देते अपना। यहाँ क्यों आते हैं हम, आपकी राय लेने आए हैं। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो क्या लग रहा है 9 सालों में क्या देखा आपने? 9 सालों में हम वो देखे जो इससे पहले कभी देखे नहीं थे, जो कभी कल्पना ही नहीं किए थे। जैसे क्या? दो चार बता दीजिए। दो चार ये है, अभी वंदे भारत आ गई, अभी स्टेशनों का वो आज ही शायद वो हुआ है, 508 स्टेशनों का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। क्या बात, क्या बात। और बनारस अपना देख रहे हो आप, मैं बनारस से हूँ, बनारस तो बनारस ही हो गया। सब चंगा है, चंगा है, बिल्कुल चंगा है। बनारस बनारस हो गया, इलाहाबाद इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, यूपी यूपी है। नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है विकास? नाम नाम तब बदला जाता है जब विकास होता है, उसके बाद नाम बदला जाता है। वहाँ पे विकास हुआ है फिर नाम बदला गया है। मुगलसराय स्टेशन था, क्या नाम था उसका, अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, उसको जाके देखो आप पहले क्या था अभी क्या है। मतलब नाम बदले जाने से आप खुश हैं? नहीं नहीं, नाम काम हो रहा है फिर नाम बदला जा रहा है ना भैया, ऐसा थोड़ी कि पहले नाम बदल रहे हैं फिर उसके बाद काम कर रहे हैं। अब विपक्ष ये जो कह रहा है कि लड़ा रहे हैं भाई, विपक्ष से वो है क्या कि अगर किसी की कमी देखोगे आप तो अच्छाई दिखेगी, नहीं कमी ही कमी दिखेगी। यहाँ वही है, यहाँ वही है, अगर हम आपकी कमी देखें। अच्छा, ये जो एकजुट हुई है, एक मंच पे आया है पूरा विपक्ष, लग रहा है इस बार क्या होने वाला? वो तो पहले भी एक मंच पे थे, वो तो पहले भी एक मंच पे थे, क्यों थे कि नहीं, कुछ भी टक्कर। क्या लग रहा है 2024 2024 में मोदी? मोदी क्यों? मोदी मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। क्या मुमकिन है, क्या देखा 9 सालों में, क्या अच्छा हुआ? अच्छा का तो नहीं कह सकते हैं, बट देश विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास की ओर बढ़ रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है। कैसे विकास, थोड़ा समझाइए ना कैसे विकास। विकास देखिए, बड़ी बड़ी मोदी है तो मुमकिन है, बस यही बस। कांग्रेस बताएंगे नहीं, दो चार बहुत मतलब देख सकते हैं। भारत का जो विश्व के साथ जो संबंध बना है, G20 का शिखर सम्मेलन भैया बोल रहे हैं, तो यही सब विकास। अच्छा, यही सब विकास था, क्या बोल रहे हैं? G20 का शिखर सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब कभी सोचे नहीं थे लोग की हो। अरे चंद्रयान मतलब चांद पे जा रहा है, इससे भारत के लिए सौभाग्य क्या होगा? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। मोदी जी जीतेंगे 24 में क्यों जीतेंगे बताइए ना। अच्छा रहा है, क्या क्षेत्र में काम हो रहा है भाई, लोगों का राशन दे रहा है, गरीब दुखिया को राशन दे रहा है, खाने का जुट रहा है, राशन मिलने से खुश हैं आप? बहुत चीज ऐसा है कि दे रहा है। मैम इंडिया गेट पर थे और आम जनता के बीच में राय ले रहे थे कि आखिर 2024 को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या रहने वाले थे। तो ये आम जनता की राय थी, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।